And this is Shaheen, and in this particular lecture video we are discussing another topic, and that is related to the factory overhead. In the previous lecture we discussed the previous things. This is the topic related to IGNOU MCOM. Okay, तो MCO की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था. वेरियस टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट आपका जो भी चीज़ें थी, डायरेक्ट डायरेक्ट वाली बातें की थी. अब इनडायरेक्ट खर्चों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड आता है. फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि लुब्रिकेंट, ऑयल, कंज्यूमेबल स्टोर, ये हमने इनडायरेक्ट मटेरियल वाले पार्ट में पढ़ा था. इनडायरेक्ट लेबर में आ गया गेट कीपर की सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी, ये भी बता चुकी मैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया डेप्रिसिएशन लगता है फैक्ट्री बिल्डिंग में. जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं वो बिल्डिंग है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका. फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं. तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए. ऑफिस ओवरहेड की बात करूँ तो ऑफिस ओवरहेड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल जो कि ऑफिस में यूज़ होता है प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑफिस के टाइप में आ जाता है. इनडायरेक्ट लेबर जब आप ऑफिसर वगैरह को, मैनेजर्स को सैलरी देते हो. और खर्चे में रेंट, इंश्योरेंस, लाइटिंग आ गई ऑफिस डिपार्टमेंट की. सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें आ गई, ये इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, पैकिंग मटेरियल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई. और इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट लेबर में सैलरी हो गई सेल्समैन की, सेल्स मैनेजर की. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया. तो इस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड में भी तीनों चीज़ें इनडायरेक्ट वाली, ऑफिस ओवरहेड में भी ये तीनों चीज़ें इनडायरेक्ट वाली, और सेलिंग ओवरहेड में भी हमने इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डील किया. आगे बढ़ जाते हैं इसमें टोटल कॉस्ट बिल्डअप. टोटल कॉस्ट बिल्डअप के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कॉस्ट से रिलेटेड. जैसे कि टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्ट का होता है वो कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं. डायरेक्ट कॉस्ट आपको पता है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आपको पता है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट मटेरियल. इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं. और जब हम इनडायरेक्ट को, जिसको हम ओवरहेड भी कहते हैं, जब हम जोड़ते हैं, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है, ऑफिस ओवरहेड आ जाता है और सेलिंग ओवरहेड्स आ जाते हैं. तो इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं इससे कॉस्ट शीट प्रिपेयर होती है. जैसे कि प्राइम कॉस्ट को बात करोगे आप तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाता है. और जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है इसके अंदर कौन सा होता है, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब पहले ये तीन कैलकुलेट होंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. प्राइम कॉस्ट निकलने के बाद इसमें फैक्ट्री के खर्चों को जोड़ दोगे तो ये निकल आके आएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट जैसे ही निकल के आएगा इसमें आप ऑफिस के खर्चों को जोड़ दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. और टोटल कॉस्ट निकलने के बाद ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा. हाँ, इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप सेलिंग के खर्चे जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो इसी को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट बिल्डअप. प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कैसे निकली, तीनों डायरेक्ट चीज़ों को प्लस किया, प्लस करने के बाद निकला प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे जोड़े तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के खर्चे जोड़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग के खर्चे जोड़े तो टोटल कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होकर आ गई. ये बहुत ही अच्छे से बता दिया कि ये तीनों चीज़ों को जोड़ के आ गया प्राइम कॉस्ट. इसमें जोड़ दिया फैक्ट्री के खर्चे तो फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड जोड़ दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका कैलकुलेट होके आ गया. कॉस्ट शीट भी इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं. डायरेक्ट कॉस्ट शीट के ऊपर आऊँगी मैं. कॉस्ट शीट इस तरीके से इसका परफॉर्मा रहता है. कॉस्ट शीट का फॉर द मंथ एंडिंग सबसे पहले रॉ मटेरियल की बात करेंगे. यहाँ पे रॉ मटेरियल लिखा होता है. रॉ मटेरियल में सबसे पहले ओपनिंग जो रॉ मटेरियल होता है वो करते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल में प्लस करते हैं.
याद होगा आप लोगों ने क्लास 11th और 12th में कॉन्सेप्ट निकाला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी कैसे निकलता था इसी तरीके से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इसी तरीके से आपका कैलकुलेट हो जाता था। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसमें परचेजेस ऐड कर दिए, फिर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का लेस कर दिया, तो ये आपका डायरेक्ट रॉ मटेरियल आ गया, डायरेक्ट मटेरियल आ गया। डायरेक्ट मटेरियल में आप लेबर और एक्सपेंसेस जोड़ोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे जोड़ोगे, फैक्ट्री के खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है, पावर लाइट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, तो आपकी कैलकुलेट होके आती है वर्क कॉस्ट, या आप बोल सकते हो उसको फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस के खर्चे जोड़ते हैं, ऑफिस के खर्चे क्या क्या हो सकते हैं, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आती है। इसके बाद हम ये वाली कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक को जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं, फिर निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर यहाँ पे हम सेलिंग के खर्चों को यहाँ पे जोड़ देते हैं, सैलरी हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, पैकिंग हो गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, वेयर हाउस, कैरेज आउटवर्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलता है, इसमें प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, लॉस होता है तो लेस करते हैं, फिर सेलिंग प्राइस और सेल्स कैलकुलेट हो जाती है। ये आपके प्राइस वाले कॉलम होते हैं, ये प्राइस वाले कॉलम होते हैं, और ये सेल्स वगैरह वाले कॉलम होते हैं टोटल आउटपुट वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन पहले तो आप लोग खुद ट्राई करो, अगर ट्राई नहीं हो पाता आप लोगों से तो मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, एक प्रैक्टिकल वाली वीडियो लेके आऊँगी, उसके अंदर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट होता है कैसे निकलता है, फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन में डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे निकलता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अपॉन में फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा मैम हम कितने फॉर्मूले याद करें, तो बेटा अगर प्रैक्टिकल वाला पॉइंट आप उठाओगे एग्ज़ाम के अंदर जिसमें 100% स्कोरिंग चांसेस होते हैं, तो आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप थ्योरिटिकल पोर्शन उठाओगे तो फिर आपको ये वाले चांसेस कम है, लेकिन मैं तो बोलूँगी अगर आप अकाउंट्स चूज़ कर ही रखा है आपने तो आप दोनों एस्पेक्ट्स को पढ़ो, आप थ्योरिटिकल प्रैक्टिकल दोनों को पढ़ो, और प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने का एक एडवांटेज ये भी रहता है कि उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस कम होते हैं अगर आपका क्वेश्चन सही है तो। इन दैट केस फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर ली हमने, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात कर लो, ऐसे होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन में वर्क कॉस्ट आ जाता है नीचे। फिर इन्होंने इस तरीके का एक एग्जांपल दे रखा है ताकि आपको जो क्वेश्चंस फॉर्मूले ऊपर दे रखे हैं उसको भी समझ में आ सके। इसको भी ट्राई करना, नहीं हो तो फिर आप लोग कमेंट करना। कोटेशन प्राइस क्या होता है इसको समझ लो, कोटेशन का मतलब होता है कोटिंग द मिनिमम प्राइस फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक ऑर्डर आपको चाहिए तो आप मिनिमम इसका कितना खर्चा करना कर सकते हो उसके बारे में किया जाता है। जैसे कि मान लो आपको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग का आपको दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये है आपकी बिल्डिंग, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को कोई 2 करोड़ में बनवा सकता है, कोई 3 करोड़ में बनवा सकता है, कोई 1 करोड़ में बनवा सकता है, ठीक है। तो अब मिनिमम आप कितने में, कितने कम से कम में इस चीज़ को, इस चीज़ का प्राइस सेट कर सकते हो, उसी को बोलते हैं कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है कोटिंग करना मिनिमम प्राइस एक स्पेसिफिक ऑर्डर को, फिर कोटेशन सबमिट की जाती है एक्चुअल प्रोडक्शन वगैरह एरिया में, ठीक है। सच अ प्राइस इज कोटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, और फिर पर्टिकुलर ऑर्डर पर्टिकुलर पर्सन को दे दिया जाता है जिसका मिनिमम प्राइस निकलता है, और ये देखा जाता है कि ये किस तरीके से इनके प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों ने डीलिंग कर रखी है। तो व्हाइल कोटिंग द प्राइस, जब हम कोट करते हैं प्राइस को, तो हम ये देखते हैं कि इससे हमारे इनपुट्स वगैरह कितने पड़ेंगे, हमारा रॉ मटेरियल वेजेस डिफरेंट, मतलब अगर मान लो मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो जब मैं कोट करूँगी अपने प्राइजेस को तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोट करूँगी, ऐसे नहीं कि अंदाजन करीबन इतने का हो रहा है तो इस तरीके से नहीं, ऑलमोस्ट नहीं, एक डेटा कॉस्ट शीट तरीके से बनाई जाती है और फिर ये कैलकुलेट होता है। जब हम कोट करते हैं प्राइस तो इसको ये ध्यान में रखते हैं कि जो भी हम प्राइस बताएं इस बिल्डिंग का या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, वो ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई हो ना बहुत ज़्यादा कम हो,
ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा प्राइस होगा तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दूसरे को रख लिया जाएगा, कोट कर दिया जाएगा। और अगर आपका प्राइस बहुत कम होगा इससे आपको लॉस होगा, और आप जब आपका जब लॉस होगा तो आप उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। ये एक प्रैक्टिकल दे रखा है कॉस्ट शीट की एस्टिमेशन के ऊपर, ठीक है। और एक और एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये अभी जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं उनके बेसिस पे है। अब हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड जो कॉस्टिंग के मेथड्स होते हैं। चलो इसको लेक्चर को मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंसीडर कर लूँगी, ताकि आप लोग शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस देखो और आप लोग को ये क्लियर हो सके कि हाँ हमने इतना कवर कर लिया और इतने को अच्छे से कवर कर लिया। फिर आप लोग उसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलूँगी, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को एज़ मोर एज़ पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।